मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना जांच को लेकर राहत प्रदान की है। सरकार ने 1200 रुपए में होने वाली कोरोना जांच की दर घटा दी है। अब लोग निजी लैब में 700 रुपए में जांच करवा सकेंगे। हालांकि घर से सैंपल कलेक्शन पर पहले की तरह 200 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। 2020 में लॉकडाउन के दौरान सामने आया ठेला कांड और शहर से बुजुर्गों के बीच अमानवीय हरकत के बाद एक बार फिर से कोरोना काल में निगम की पीली गैंग का एक और कारनामा सामने आया है। सोमवार दोपहर जिला कोर्ट में उस वक्त हंगामा हो गया जब निगम कर्मचारी कोर्ट परिसर में दाखिल हुए और उन्होंने वकीलों से मास्क लगाने की बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि कुछ वकीलों द्वारा नगर निगम कर्मियों को सबक सिखाया गया। इंदौर में कोरोना की रफ्तार काफी तेज हो गई है। इस रफ्तार को रोकने के लिए अब वैक्सीनेशन की गति को तेज किया जा रहा है। इंदौर में सरकारी निजी अस्पताल के साथ ही अब कैंप लगाकर भी शहर के साथ ही ग्रामीण इलाकों में टीकाकरण किया जा रहा है। इंदौर में रविवार रात को कोरोना के 2 अनचाहे रिकॉर्ड भी बने हैं। पहला अब तक के सर्वाधिक 788 नए मरीज मिले, वहीं दूसरा एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 5589 पर पहुंच गया है जो अब तक का सबसे बड़ा है। 3 मरीजों की मौत भी हुई है। मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 3399 नए केस मिले। इस दौरान 15 लोगों की मौत भी हो गई। प्रदेश में एक्टिव केस का आंकड़ा 22,000 के पार हो चुका है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच सरकार द्वारा आम जनता को लगातार वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन इस वैक्सीन के लगने के बाद भी आपको कोरोना नहीं होगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ये बयान प्रशासन में बैठे उच्च अधिकारी ने पत्रकार वार्ता के दौरान दिया है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ ही मौतों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। इस मुद्दे पर अब कांग्रेस ने भी सरकार पर हमला बोला है। सोमवार को पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि सरकार मौत के आंकड़े छिपा रही है, सरकार संक्रमितों के भी आंकड़े छिपा रही है। हमारी मांग है कि सरकार आंकड़े छिपाने के बजाय अस्पतालों में मरीजों के बेहतर और पुख्ता इंतजाम करे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने फिर ईवीएम की विश्वसनीयता और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा राज में सब गोलमाल है। दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में कोरोना के बिगड़ते हालात और जंगल में आग लगने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान को जिम्मेदार ठहराया। पश्चिम बंगाल चुनाव के बारे में कहा कि कांग्रेस और ममता बनर्जी धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगते हैं, बल्कि भाजपा इसके नाम पर ही वोट मांगती है।